सांसद विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता को भाजपा का गमछा पहनाकर प्रवेश दिलाया। बिलासपुर संवाददाता संदीप करिहार से खास बातचीत में विष्णु यादव ने भाजपा प्रवेश की वजह बताई। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहा था, अब बाहरी कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को वापस भिलाई और बिहार भेजने की तैयारी में जुट गया हूँ। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा प्रवेश किए हैं। सीधे तौर पर जानेंगे कि आप तो कह रहे थे कि 18 तारीख तक इंतजार करिए, क्या इंतजार इसी बात का था? आज 18 तारीख है ना, इंतजार खत्म हो गया। और ये इंतजार इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे हिन्दुस्तान में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह से काम कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाई। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की दशा हुई। दूसरी बात यह है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से नीति अपनाई जा भी कि एक ही व्यक्ति को मान सम्मान, एक ही व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा देने की जो बात चल रही है, उसमें बाकी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है सब नाखुश है और सब दुखी है और सब आहत है। विष्णु जी, कैसे गले से उतरेगी वो पार्टी जिसको आप लगातार इस उम्र तक कोसते चले आए हैं पानी पी पी करके, अब गले से कैसे उतरेगी भाजपा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी कांग्रेस भाजपा की राजनीति नहीं किया। मैंने सब लोगों को साथ लेकर के चलने का जो राजनीति वो किया है। और जिस तरीके से अभी बिलासपुर की लोकसभा के लिए